सो गुड मॉर्निंग फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? फिलहाल इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, बहुत परेशान कर रहा था मुझे लैपटॉप, और मैंने इसे अपडेट पे लगाया। पूरी रात अपडेट पे लगने के बाद विंडो 11 फाइनली अपने पास हो गई है। यीपी, आइकन्स भी अच्छे लग रहे हैं इसके, कुछ डिफरेंट ही है। और ये देखिएगा, डिफॉल्ट वॉलपेपर्स इसमें काफ़ी डिफरेंट से हैं, तो मैं भी देखूँगा इसमें क्या क्या नया है। फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं हमाद भाई के साथ बाय का कुआं, और इस कुएं के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी कारण है, स्टोरीज तो है काफ़ी सारी बाय के बारे में कि जिन वगैरह ने बनाया है समथिंग। तो आज हम देखते हैं कि वो कुआं आप है क्या और कैसा है। तो कामरान भाई, हमाद भाई मेरे साथ हैं, मेरी बाइक आ रही है वहाँ से, हमारे मामा लेके आ रहे हैं भाई। चोक लगा के स्टार्ट होगी, चोक लगा के। मामा बड़े छोटे हैं आपके। Everything will fall apart when it's hard to me. कोई काम नहीं है। हां, आ गए आ गए आ गए। ये पीछे रह गए थे दोनों हमारे, अमरूद लेने रुक गए थे भाई। सही है, ये दौड़ गया। राजस्थान के सेब, राजस्थान के सेब। तो देखिए, मेरे पीछे जो जंगल दिख रही है, ये वही कुआं है जहां मैं आया हूं। और इस कुएं के बारे में हमने ये सुना है कि ये कुआं रातों रात जिन्होंने बनाया था। आपको फिर भी दिखाता हूँ कि क्या लाजवाब है। यहाँ से बाहर से देखने में आपको लगेगा नहीं कि कोई कुआं है यहाँ पर। लोडिंग चल रही है। ये है वो कुआं, ये देखिएगा, और इसकी देखिए आप खूबसूरती किस तरीके से बनाए हुए। बीच में छोटे छोटे से दर बनाए हुए हैं, ये देखिएगा, और दरों के अंदर रास्ते हैं। और मैं अभी आपको वहीं लेकर चलता हूँ, ये सब दिखाता हूँ मैं आपको अभी अंदर से। ये देखिएगा, यहाँ से ये सब रास्ते हैं। तो ये देखिए, ये है वो करामाती चमत्कारी जिनों द्वारा बनाया हुआ कुआं। और ये जिन्होंने, सुनने में आया है कि रातों रात ये कुआं बना दिया गया था, और सुबह में पब्लिक को कुछ एहसास हुआ, जब पब्लिक यहाँ आई तो वो चले गए थे छोड़कर। तो जितना कंस्ट्रक्शन हुआ था इसमें वही हुआ हुआ है, और लोग यहाँ पर आते थे मुसाफिर बैठने, और यहाँ पर ठंडा पानी मिलता था, और थक जाया करते थे लंबा सफ़र करने के लिए, तो उनके लिए मुसाफिर खाना टाइप का एक गाह बनाई गई थी। तो ये है पूरा, तो आइए चलते हैं अंदर। ये देखिएगा, अमरूद खाए जा रहे हैं यहाँ पर, राजस्थानी मस्त मसाला डाल के बोले तो एकदम। ज़्यादा ज़्यादा नमक हो गया, ज़्यादा नमक। आओ देखिए, ये ऊपर से नज़ारा है यहाँ का। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ नीचे, ये देखिएगा। आओ भाई, लेके चलता हूँ सबको। ये देखिएगा उस कुएं का रास्ता, और ये देखिए किस खूबसूरती से बना हुआ है। यहाँ पे छोटी छोटी सी ईंटें हैं, ये ऊपर का, और ये है वो कुएं का। काफी गहराई है यहाँ की, देखिएगा कितनी गहराई है यहाँ की। ये देखिएगा, हम ऐसे दर में खड़े हुए हैं, मैं आपको वहां भी लेकर चलूंगा सामने वाले दर पर। ये देखिएगा, अमरूद कहीं नहीं छोड़ा जा रहे हैं, जहां मौका मिला वहीं खाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, मेरे पीछे वो कुआं दिख रहा है आपको, और मैं इस जगह खड़ा हूँ अभी अंदर। मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर से, दूसरी साइड से नीचे, जो जीना जा रहा है नीचे। तो मैं इस जीने में आपको लेकर चलता हूँ अभी। तो अब मैं चलता हूँ आपको लेकर यहाँ से नीचे। ये देखिए, यहाँ से हम आए थे, और यहाँ से ही आगे गए थे, अब यहीं से एक रास्ता है नीचे जाने का। ओ, ये बच गया भाई साहब, पैर मुड़ गए यहाँ देख के आना, चौका नहीं है अब लगा हुआ कोई। ये तो जा रहा है नीचे रास्ता कुएं में, और ये आ गया दूसरा दर ऊपर वाले से नीचे। ये देखिएगा, हम ऊपर से आ रहे हैं, ये आ गया नीचे वाला दर। ठीक है, चलते हैं उधर ही साइड में। ये आ गया सामने ऊपर से, हम लोग चले थे उधर से। ठीक है, ये आ गया मेन कुआं, हम लोग उतरेंगे कुएं में। तो ये है वो कुआं। When two voices of nature collide, we're fighting
कुआं जिसके बारे में बताया जाता है कि जिन्होंने रातों रात बनाया था ये, और उस टाइम पर ये जो स्ट्रक्चर है पूरा आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में शायद ही कोई बना पाए। सोचिए अगर सुबह तक ये लोग यहाँ पर नहीं आते तो और कुछ बन सकता था। ऐसी कहानियाँ सुनने में आती हैं कि वेल मुझे तो पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ था या नहीं, लेकिन सीरियसली यहाँ का आर्किटेक्ट वगैरह देख के ऐसा लग रहा है अहमद भाई कि ये कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं। और देख के ऐसा लगा तकरीबन ये 100-150 साल पुराना तो होगा, क्योंकि जो पत्थर है ना आप ये देखिए हवा से बिल्कुल जो है मॉइस्चर से ये कैसा हो गया, और बहुत हार्ड रॉक है ये, बहुत हार्ड है ये। अहमद भाई 100-150 से भी बहुत साल पुराना है, 100-150 साल का हमारा वाला ही घर है। हाँ जाहिर बात है उससे भी पुराना ये बहुत ज्यादा पुराना है। मुसाफिर जब रुकते थे यहाँ पे ट्रेवल करते करते थक गए तो रुक गए यहाँ पर, और अब बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब वो मुझे नहीं पता है, मैं कभी रात में यहाँ पर नहीं आया हूँ, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। ब्लैक मैजिक वाले में बिलीव कर देना, वो सब चीज़ें करते हैं लोग यहाँ पे आके। और रुपया पड़ा है, कॉइन्स भी पड़े हैं, वो सब चीज़ें पड़ी हैं। फिलहाल हमें तो छूना ही नहीं है इन चीज़ों को, तो चलिए मैं आपको ऊपर के शॉर्ट्स और दिखाता हूँ। यहाँ से हम उतर के आए थे और ये रास्ता अभी कुएं का था हमारा, और हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, वही रास्ता सीधा पहुँचेगा वहाँ, जैसे इधर का है सेम एज इट इज इधर का है। चलिए ये एक रास्ता जा रहा है इधर, और यहाँ चिंगादड़ों की स्मेल आ रही है, ये देखिएगा। हाँ जी कुएं में आना, कोई कुएं में, ये देखिएगा हमारे कामरान भाई आ गए कुएं में, ये मामा है। ये देखिएगा ऊपर से, मतलब बहुत ही ज़्यादा गोल है, काफ़ी बड़े रेडियस में बना हुआ है ये कुआं, तो जब इसमें पानी होगा तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा होगा। सुनने में आता है ये काफ़ी ज़्यादा और भी गहरा था, और इसमें रास्ते बने हुए थे नीचे के, दर वगैरह खुले हुए थे, इसे लोगों ने भरा है मिट्टी से। तो चलिए पीछे साइड में दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए रास्ता जा रहा है ऊपर, ये सारे जो दर वगैरह है ना ये सब रुकने के लिए है। ये देखिए ये रास्ता एक और आ रहा है यहीं से, नीचे से हम आए थे और ये किधर का बना हुआ है, यहाँ आके देखिए यार, ये है देखिएगा, मतलब मिरर इमेज है, जैसा इधर है सेम इधर है, और अगर हम यहाँ से खड़े हुए देखें तो ऐसा लगता है जैसे अग्रसेन की बावरी आपने देखी होगी दिल्ली में, बावरी सिर्फ ऐसी ही बनी हुई है, बस उसमें स्केल ज्यादा है। हमारे पीछे गन्ने लोड हो रहे हैं, मांग के देखते हैं अगर मिल जाए तो खाते हैं। मांग के देखते हैं, मांग के देखते हैं, हम मांगेंगे जाके, मांगेंगे ना मिल जाएगा एक आध क्या, एक गन्ना हाँ, जितने मर्जी चाहो उतने खाओ यार। नहीं देखिए इन्होंने बोले जितने मर्जी चाहो, हमने डरते डरते पूछा है। ये देखो महारा भाई जोगिंदर, महारा भाई हगिंदर लेकर ये हगिंदर हमारा भाई हगिंदर लेके सीजन का पहला गन्ना खाते हुए पीछे हट जाओ, कभी गन्ना बन जाए। ट्रॉली आ रही है यार, ये गलत होता बस, ये मेरे गन्ने के, ये देखो गन्ने के साथ जो करता है ये गलत होता भाई, बड़ा गलत चीज है वो देखो गन्ने की बांसुरी बनाते हुए हमाद भाई, बहुत मीठा है इधर, ये गन्ना हमसे टूटता तो है नहीं, इनसे कटवा रहे हैं हम, ये और करो टुकड़ा, एक पीछे से और काट दिए बस, थैंक यू। तो भैया चलते हैं अब, बाइक को हमने आपको दिखाई दिया है, तो पकौड़े वकौड़े खाते हैं, तो चलते हैं अब यार।
course my only crime was hoping there is something more than this loneliness. तो हम यही रास्ते में रुके पकौड़े खाने के लिए पान भाई वगैरह, और मेरे पीछे है मोरनी। ये रही मोरनी, ये जंगल में नाची मोरनी किसने देखा? मैंने देखा। कैसे बैठी हो? आ गई है चाय और मस्त वाली पकौड़ी। पकौड़ी अच्छी थी? नहीं। तो घर आ गया हूँ मैं, अब लंच करता हूँ। टाइम हो रहा है 3:39। आयज और मैं जा रहे हैं ट्यूशन, आयजा को छोड़ने। मैं वापस आ जाऊंगा, आयजा फिर रुक जाएगी। क्या खा रही है? मैं जंक सॉले केला केला खा रहा है। जेम्स खा रही है, बस चाहिए है चॉकलेट। मेरे पास पूरा पैकेट है इसका। हैं क्या? क्या 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 खा रही हो? ट्यूशन क्यों अकेले जाओ? मैं नहीं जा रहा। जेम्स कह रहे हैं मुझे वीडियो बनाना। सही है, आप कुछ बोल रहे हैं? अगर मैं खा लूंगी तो देखोगे कैसे वीडियो। आ गया इसका ट्यूशन। बाय। कितने रुपए की मिली? तो भैया 650। हम आए हैं अहमद भाई के यहाँ, कामन भाई की जिद पर। चाय पीनी, चाय पीनी, चाय पीनी है। टी पॉजिटिव है ना, ब्लड ग्रुप की तरह चाय पीते हैं ये। मैं ले लूँ। पापा कहाँ है? मैं पापा अच्छा रुहान ये तो रुहान बाय, शेक हैंड, थैंक यू। खाना खा लो। तो देखिए हमाद भाई के यहाँ से निकलने के बाद पहले भाई बिरयानी के लेंगे, बिरयानी खा के आए यहाँ पे मलाई रोल खाने के लिए। ये शख्स बहुत चटोर है। भूख का टाइम है भाई, चटोर की बात नहीं। भूख का टाइम है, मिर्ची लग गई कबाब में, मिर्ची आप लोग भी खा लेंगे। तो ये देखिए फंक्शन में से आ रही हैं चुलबुली। है कितना खाया? थोड़ा सा। थोड़ा सा खाया? क्या क्या खाया? मैंने छोले भटूरे, राइस, राइस और बस दाल। इतनी चीजें खा कर आया और मुझे पता लगा है दही बड़े जलेबी सब कुछ खा कर आया है ये। तो फिलहाल देखिए आयजा हमारी फंक्शन में से आ रही है, तैयार होके और रात ही उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। गोल गोल घूमेंगे, मैं ऐसे चलाऊ घूमर घूमर जा दूंगा थोड़ा सा दाँत कुड्डी। तो चलिए फिलहाल मैंने दिखा दिया है आपको कि तैयार होके देखिए कितनी आई है बीच पर सब लगे बालों में शॉल डाल के देखें। चलो तो फिलहाल गाइस वीडियो को हम एंड करते हैं। तो वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग में। लव यू ऑल। ये देखिए आयजा डांस कर रही है। घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर। Maybe if we